सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा रजवंशी ब्लॉग। एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो ये है सैटरडे का ब्लॉग और ये शायद संडे या मंडे को जाएगा ब्लॉग। तो यहाँ पे हम पूजा कर रहे थे, हम और सासू माँ दोनों। सुबह का यही रूटीन होता है और हम दोनों सास बहू ब्लैक ब्लैक साड़ी भी पहन लिए हैं। और पता है ये वाले साड़ी पे ना बहुत अच्छा अच्छा रील्स भी आया हुआ है। तो अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है गाइस तो कर लीजिए, राधा रजवंशी है नाम पेज का। तो यहाँ पे हम दोनों पूजा कर रहे थे और उसके बाद मंदिर भी जाना था। और गाइस मेरा आज ही मेरे मतलब YouTube पे 10K कंप्लीट हो गया है सब्सक्राइबर्स, तो आज हम बहुत खुश हैं। तो जितने भी लोग सब्सक्राइब किए हैं उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए और जल्दी से जो मेरा ड्रीम है वो पूरा करवाइए 1 लाख तक पहुँचने का। आई नो कि बहुत ज़्यादा दूर का सपना है बट इतना भी उम्मीद है कि एक ना एक दिन तो पूरा ज़रूर होगा, क्योंकि अगर दिल से मेहनत हो तो ज़रूर होता है। और हम भी ये 10,000 जो फॉलोअर्स है ना सब्सक्राइबर्स, वो 2 साल में मेरे को मिला है, तो मेहनत से मिला है। तो एक एक सब्सक्राइबर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हम लोग गए मंदिर घर पे पूजा करने के बाद, और यहाँ पे माँ पूजा कर रही थी। उसके बाद हम भी मतलब जल चढ़ाएं और हम कोशिश करते हैं कि डेली मंदिर जाएं, क्योंकि मेरे को मंदिर जाके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो हम कोशिश करते हैं कि डेली जाएं, कभी कभी लेट हो जाने के कारण नहीं जा पाते हैं, घर ही पे पूजा कर लेते हैं। जटा टवि गल जल प्रभावित स्थले गलित लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमक 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 डमानी नाट डरमय चकार चंद चांडव तनुतना शिवा शिवम जटा कटाभ संप्रभा भ्रमणि पनीर झरि विलोल विच्य वल्लरी विराजमान मुरधरि लाट पट पाप किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणा मम धरा धरि नंदिनी विलास बंधु बंधु रश्मित कंद शंतनी प्रमोद मान मानसे कृपा कराक्ष गौरिणी निरुद्ध दुरापति क्वाचित दंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा सो गाइज, अभी हम आ गए हैं अपने दूसरे वाले छत पे और आपको एक चीज दिखाएंगे। तो दूसरा वाला छत, वैसे जो शुरू से जुड़े होंगे वो देखे होंगे, बट नहीं जुड़े होंगे वो नहीं देखे होंगे। मेरा अभी वो वाला छत है, आप लोग देखते होंगे, और ये वाला भी छत है हमारा। तो आप लोगों को दिखाएंगे जो हमारा आम का पेड़ है ना, बहुत सारा आम अब मतलब पकने लगा है, तो सोचे कि आज आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए, ये देखिए गाइस, ये लाल लाल, इसको क्या बोलते हैं आप लोगों को पता है? ये देखिए, ये पेड़ मेरे को पता नहीं क्यों ये पत्ते ना बहुत अच्छे लगते हैं, ये वाले जो पत्ते होते हैं। ये सब कुछ उधर से मार रही है डंडा लेके रख भी नहीं तोड़ने के लिए शायद क्यों रख दी डंडा तो ये देखिए हमारा आम का पेड़ जिसपे आम है तोड़ने के लिए। देखिए आम, हाँ सब नीचे नीचे भी आम आम आम। ये पक रहा है, देखिए गाइस, देखें आम बहुत सारा पका हुआ है, बहुत बहुत सारा। और पता है इधर इतना खूबसूरत खूबसूरत अपार्टमेंट है ना कि बहुत अच्छा लगता है। आपको बैक कैमरे से हम दिखाते हैं।
तो देख सकते हैं इतना ये सुंदर लगता है ना। और अभी ये न्यू बन भी रहा है यहाँ पे, ये न्यू बन रहा है और ये पहले से, और इसके बगल में भी है एक, तो बहुत अच्छा। पूजा वगैरह करके आ गए और रील्स वीडियो भी बनाए हैं, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिए, यहाँ नाम आएगा राधा रजवंशी, बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी से फॉलो कर लीजिए। हम लोग आज बनाए हैं मस्त मस्त, तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना, और आज जाएंगे वोट मारने, तो आज वोटिंग भी है तो आज माँ जाएंगी वोट देने। पहले ही बना है आप जाइए यहाँ का वोटर आईडी नहीं बना है, कोई बात नहीं, अगले साल हम भी देंगे और इस तरीके से फोटो डालेंगे तो माँ जा रही हूँ और फिलहाल हम जाएंगे नाश्ता बनाने, आज छुट्टी है सबका, इसलिए हम लोग अच्छे से वीडियो भी बना लिए सुबह सुबह। हम लोग मंदिर जाने के लिए साड़ी पहन के रेडी होते हैं, सली पड़ता है तो ब्लैक ब्लैक हम लोग पहन लिए दोनों जन काला काला, तो चलिए ब्लॉग पे कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस मैं गई वोट देने, अभी सुबह मतलब 7 बज रहा है और इतना ज़्यादा धूप अभी हो गया है ना कि हालत ख़राब हो गया, इतना धूप है, तो चलिए हम जल्दी से नाश्ता बना देते हैं क्योंकि 7 बज गया आज कुछ बना नहीं है, नहीं तो 7 बजे तक मेरा सब्जी बन जाता था और आटा भी सना जाता था, रोटी बनाना स्टार्ट कर देते थे अपना, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस किचन में आए, उसके बाद प्यास लग जाता है तो यहाँ पे पानी पी रहे थे और सोचे थे क्या आज बनाए खाने में, मतलब नाश्ता में, क्योंकि छुट्टी वाले दिन ना सुबह में मतलब बनता है रोटी वगैरह, फिर दोपहर में जो भी खाने का मन करता है पत्ते और सासू जी को चावल ही, मतलब अगर सब्जी के साथ हो दाल के साथ हो इस तरीके से, मतलब बहुत सारा मेज़न बनता है क्योंकि चावल वो लोग को डेली खाने नहीं मिलता क्योंकि वो लोग रहते हैं ऑफिस, तो पराठे सब्जी यहीं से लेके जाते हैं, तो इसलिए जिस दिन छुट्टी रहता है ना वो लोग भी चावल ही खाते हैं पसंद से। आप लोग के साथ भी ऐसा हो रहा है कि इतना ज़्यादा ये वाले दिन में बॉडी पेन हो रहा है ना, इतना बॉडी पेन कि मतलब एक होता है ना कि बॉडी चल नहीं रहा है इस तरीके का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा, मेरा और सासू माँ दोनों का बहुत बॉडी में पेन, बॉडी पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों, मौसम के कारण, क्योंकि कभी बारिश हो रहा है कभी धूप आ रहा है पता नहीं। तो अभी सब्जी बना रहे हैं बोदी का, जिसको बरबट्टी बोलते हैं यहाँ पे झारखंड में, और हम लोग बरबट्टी नहीं बोलते थे, बोदी बोलते थे या बोरो बोलते थे, आप लोग क्या बोलते हो बताइएगा इस वाले सब्जी को। और गाइस आम भी हम लोग लेके आए हैं चटनी के लिए, अब चावल बनेगा तो चटनी मज़ा आएगा खाने में। हम तो ज़्यादातर अगर हम लोग बस घर पे रहते हैं ना हम और सासू माँ, मन करता है अगर तब ही दाल बनाते हैं, मन करेगा तब, क्योंकि दोनों को दाल नहीं पसंद, मेरे को भी नहीं पसंद सासू माँ को भी नहीं पसंद, मतलब गर्मी के दिन में, ठंडा के दिन में तो खाना ही पड़ता है दाल बना के, बट गर्मी के दिन में हम लोग को दही मिल जाता है तो हम लोग दही को रायता टाइप बना के या जीरा भुंजा हुआ जो जीरा आता है वो डाल के हम लोग ऐसे खा लेते हैं, बहुत टेस्टी भी लगता है, बाकी सब्जी रहता ही है खा लेते हैं हम लोग। और ठंडा में तो कोई चारा नहीं होता, दाल खाना ही पड़ता है, जबकि दाल में प्रोटीन होता है, दाल खाना चाहिए, लेकिन क्या करें कभी कभी नहीं मन करता बिल्कुल खाने का, तो चलिए जल्दी जल्दी से काम करते हैं। और मेरे को पता नहीं क्यों ये साड़ी, मेरे को ये साड़ी इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, इसका जो कॉम्बो दिया हुआ है ना रेड का और ब्लैक का, तो वैसे भी रेड और ब्लैक ये दोनों मेरा फेवरेट कलर है, ठीक है, बट एक में जब दोनों मिल जाए तो उसका अलग ही बात है, तो वही बात है इसमें, इतना सुंदर मेरे को ये वाला लगता है। और पता है एनिवर्सरी है आप लोगों को, जैसा कि बताएं मेरे को अपना ड्रेस जो है, आप लोगों को पता है कि मेरा मतलब थोड़ा रहता है कि हम अपना लुक जो है वो अलग अलग तरीके का लेके आए, स्टार्टिंग से मेरा बर्थडे हो तो पहले शादी जब नहीं हुआ था तो बर्थडे के टाइम सोचते थे कि अलग अलग गाउन बनवाएँ, क्योंकि मेरे को डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा पसंद है तो हम डिज़ाइन करते रहते हैं, तो इस बारे भी सोच रहे हैं कुछ अलग लुक क्या लाएं, तो आज कुछ कुछ है जो मेरे को खुद से बनाना है सिलना है, तो काम ख़त्म करके ये सारा काम हम उसी में लगने वाले हैं आज,
और पर्दे वगैरह भी हैं जिनको सिलना है, तो पहले पर्दे सिल के हटा देंगे, उसके बाद ये सब कुछ करेंगे सोचेंगे। तो जो ड्रेस बनाना है, ड्रेस बनाना क्या है, थोड़ा सा उसमें लुक चेंज करने के लिए वो बनाना है, तो वो करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे ही। तो ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए, और गाइस 10K के होने वाला है, तो जल्दी से 10K के करा दीजिए, बहुत खुशी मिलेगा मेरे को। अगर एनिवर्सरी के पहले इस पे 10K के हो जाता है मेरा सब्सक्राइबर्स जो यूट्यूब पे है, और 50K के हो जाता है मेरे इंस्टाग्राम पे, आप लोग सोच नहीं सकते मेरे को कितना खुशी मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एनिवर्सरी के दिन हो जाता है, आप लोग सोच रहे हो गिफ्ट होगा आप लोग की तरफ से मेरे लिए। तो जल्दी से कर दीजिए, फॉलो भी कर दीजिए जाके इंस्टाग्राम पे, और यहाँ भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा सेकेंड वाला जो चैनल है ना उस पर भी 50K होने वाला है, देखिए कब होता है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा ही स्लो, वीडियो भी नहीं ला पा रहे हैं हम, बट एनिवर्सरी के बाद रेगुलर उस पर वीडियोज़ आएंगे। अभी थोड़ा जो टाइम चल रहा है ना बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, तो इसलिए नहीं ला पा रहे, और मेरे को स्टोरेज भी बचा के रखना है कि जो मेरा एनिवर्सरी वाला ब्लॉग होगा उस पर मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो स्टोरेज की वजह से, ऐसा हो कि रिकॉर्ड ना हो पाए, इसलिए मेरे को स्टोरेज भी बचा के रखना है, इसलिए जितना कम हो सके उतना वीडियोस भी बना रहे हैं, और ब्लॉग भी मतलब ऐसा बना रहे हैं कि आज बनाए तो शेयर भी कर दें और सारा डिलीट कर दें इस तरीके से, तो इसलिए एक्स्ट्रा कुछ बना ही नहीं रहे कि स्टोर करके रखना पड़े फ़ोन में। तो चलिए ब्लॉग पे कंटिन्यू रही, आज कितना सारा बात करी है आप लोगों से काफ़ी टाइम बाद इस तरीके से कैमरा ऑन करके, नहीं तो वॉइस ओवर तो कर ही देते हैं लेकिन इस तरीके से बात बहुत कम करते हैं। तो चलिए, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, मन कर रहा है साड़ी खोल के पूजा करने के लिए पहने थे, मन कर रहा है कुछ कॉटन का कुर्ती वगैरह डाल लें, तो थोड़ा देर बाद डाल ही लेंगे, सब्जी बनाने के बाद कुर्ती पहनने के लिए। गाइस जा रहे हैं वोट देने, तो पहले लगा था कि हम वोट नहीं दे पाएंगे, बट मेरा भी पर्ची आ गया है, तो जा रहे हैं वोट देने, और मेरा पहला वोट है ज़िंदगी का, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, सासू माँ तो सुबह ही दे के आ गई थी वोट, बट पतिदेव और मेरे ससुर जी और हम तीनों जा रहे थे वोट देने, दोपहर का टाइम था और हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि मेरा पहला वोट था, तो एक अलग ही लेवल का खुशी भी था। तो यहाँ पे हम लोग अंदर गए और इतना सुंदर ये स्कूल लग रहा था ना, और इस स्कूल में मेरे पतिदेव पढ़े हुए हैं बचपन में, तो वो बता भी रहे थे कि इसी स्कूल में पहला ये स्कूल है जिसमें इनका एडमिशन हुआ था, तो हम वहीं देख रहे थे अच्छे से, बहुत प्यारा स्कूल था, बहुत सुंदर सा, बड़ा सा, अच्छा लग रहा था देख के भी। तो यहाँ पे हम लोग गए वोट देने के लिए, और हम दोनों का बूथ जो था ना अलग अलग था, जो रहता है मतलब ससुर जी और पतिदेव का एक में था, मेरा अलग हो गया था, फिर भी लाइन देख सकते हैं कितना लगा था, और माँ जब आई थी वो 2 घंटे लाइन में लगी थी, बट हम लोग को उतना टाइम नहीं लगा, मेरे को तो और टाइम नहीं लगा, मेरा तो जाते जाते ही हो गया था, पतिदेव और ससुर जी का मतलब आधा घंटा लाइन में लगना पड़ा था तब वोट दे दिलाया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। सो गाइस, वोट दे दिए, वो भी अपना पहला वोट, ये भी दे दी, माँ सुबह ही में दे दी थी, चलिए चलते हैं। बहुत अच्छा महसूस हुआ पहली बार वोट देके। सो गाइस, फिर आ गए घर और सब लोग, हम लोग दोपहर का खाना वाना खा लिए थे, उसके बाद हम आ गए यहाँ अपना मशीन निकालने, क्योंकि मेरे को इस बार एनिवर्सरी में खुद से कुछ डिज़ाइन करना था पहनने के लिए, अलग लुक लाने के लिए, तो यहाँ पे बहुत दिन से मेरा मशीन रखा हुआ था, तो यहाँ पे हम साफ़ कर रहे थे इसको, और शादी के बाद जब से आए हैं ये मशीन काम मतलब बहुत कम किए हैं इस पर, एक बार शायद कुछ सिले थे बस, तो वहीं हम देख रहे थे कि ठीक तो है ना, क्योंकि यूज़ नहीं हो रहा था, बट अब टेबल आ गया है ना, तो अब रेगुलर यूज करने का कोशिश करेंगे कि अब करें, इसलिए हम अपना सब कुछ यहाँ रख लिए थे, अरेंज कर लिए थे और यहाँ पे सिलना स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ हम दुपट्टा बना रहे थे और आधा तो बन चुका था दुपट्टा, कुछ कुछ बाकी रह गया था, तो वहीं यहाँ पे बना रहे थे और बहुत अच्छा भी फील हो रहा था। देखते हैं फाइनल लुक आपको देखने मिलेगा एनिवर्सरी वाले दिन कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, बाकी हम सोच के तो किए हैं, जैसा अगर लुक आ गया तो मस्त लुक आएगा जैसा हम सोचे हैं। तो यहाँ पे हम सब कुछ ये कर लिए थे और अभी भी धूल दिख ही रहा था, तो बाद में फिर से मशीन को अच्छे से हम पोंछे थे, यहाँ तो हम जल्दबाजी में जल्दी जल्दी से लगा दिए थे ताकि स्टार्ट कर दे सिलना, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है एनिवर्सरी में और पूरा चीज़ बाकी ही है अभी काम। सो गाइस, एनिवर्सरी का तैयारी शुरू।
सो गाइज़ ये बनाने में बहुत मेहनत लगा बट अच्छा लग रहा था फाइनल हम दिखाएंगे, आज नहीं दिखाएंगे, देख सकते हैं मेहनत आपको दिख रहा होगा। मेरा पूरा बाल गीला है पसीने से क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी था, हार्ड गर्मी, पंखा चल रहा था फिर भी ये हाल हो गया था। तो यहाँ पे हम फटाफट से मतलब कितना घंटा, 3 घंटा लगा होगा, लगातार हम 3 घंटा बैठे थे मशीन पर, कुछ कुछ काम था तो उठ भी जा रहे थे बट फिर भी 3 घंटा एकदम लगा ही था। और इतना ज़्यादा बाल गीला हो गया था ना कि क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, हद से ज़्यादा। फिर यहाँ आ गए थे चीकू को नहलाने के लिए और ये पाइप देखते पूरा उछलने लगता था। कुछ लोग बोल रहे थे आप लोग चीकू को बांध के क्यों रखते हैं, तो गाइज़ ये अभी बच्चा है छोटा सा और ये इसको बाहर निकालने पे कहीं चला ना जाए इसलिए बांध के रखना पड़ता है, वरना घर में ज़्यादातर खुला ही रहता है। तो फिर यहाँ पर हम चीकू को नहला रहे थे और वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है ना इस तरीके से पानी देख के, पूरा खेलता है, पूरा उछलता है। तो हम इस तरीके से उसे पानी डाल रहे थे, मेरे को डर भी लगता है बट धीरे धीरे फ्रेंडली होने का कोशिश कर रहे हैं कि उससे मिले जुले, और वो काटता नहीं है, बहुत प्यार करता है, फिर भी मेरे को बहुत डर लगता है इसलिए हम पास नहीं जाते हैं और मेरे वजह से और वो बांध के रखना पड़ता है उसको। फिर यहाँ पे पतदेव मंगाए थे कुछ खाने के लिए मेरे को, और मेरे को पता नहीं था कि क्या है, तो हम यहाँ पे लेके आए और पूछ रहे थे क्या है, तो वहीं यहाँ पे देख रहे थे कि मतलब पूछ रहे थे उनसे कि क्या इसमें मंगाए हुए हैं, तो वो बोले कि खुद देख लो कि क्या है। तो हम यहाँ पे खोल भी रहे थे और हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि बिना बताए वो मंगा दिए थे, तो यहाँ पे हम खोल रहे थे तो ये था। और ये कंपनी का मेरे को हर एक चीज़ इतना ज़्यादा पसंद है ना गाइस कि क्या बताएं। वी मेड योर फूड विद लव, होप यू एंजॉय इट, प्लीज रेट अस आउट ऑफ 5 इफ यू लाइक इट एंड टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, थैंक यू। सो गाइज ये था पनीर रुमाली रोटी और इतना टेस्टी लगा खाने में ना कि क्या ही बताए, बहुत टेस्टी था। और ये हम फर्स्ट टाइम खाए थे, इसका हम पनीर रोल बहुत ज़्यादा खाए हैं, वो बहुत अच्छा लगता है, और ये रुमाली रोटी पहली बार खाएं।